very good morning, people. Aaj hai day 4 in Dubai. चैनल दिस इज़ निधि चौहान और अभी टाइम हो रहा है 5:51 और मैं जा रही हूँ अपना मेट्रो लेने मेट्रो के लिए बस लेने के लिए. एंड ऑफ कोर्स मेरे पैर का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ. आई थिंक जब तक मैं दुबई में रहूँगी कभी भी मेरा पैर दर्द ठीक नहीं होने वाला. सो व्हाट एवर इट इज़ आई विल होपफुली मैनेज. क्यों मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकोगनाइज ऑल्सो. हाय, ये जगह तो आप लोगों को भी याद हो गई होगी कि मैं कहाँ रह रही हूँ करके. मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है. वो रहा बस स्टॉप, वो जो आपको दिख रहा है दैट प्लेस. और यहाँ की अच्छी बात ये है कि आप गूगल पे टाइमिंग चेक कर सकते हो. तो मैंने चेक किया, इट्स 6:07 पे बस आएगी. फिर भी मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात नहीं करी है, सो टिल देन आई विल डू दैट. एंड आज धूप भी थोड़ा कम है क्योंकि टाइम थोड़ा लेट हो गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी. तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ कोई आइडिया नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग बिकॉज थोड़ा कंफर्टेबल होना ज़रूरी होता है. और जब आपके पैर में चोट लगी हो तो ऑफ कोर्स आपको और कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप चल पाओ कंफर्टेबल होकर के. तो मुझे मैंने कल मेडिसिन लिया था बट वो काम नहीं किया. सुबह भी मैंने वो मेडिसिन खाया बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बहुत दुख रहा है बहुत. तो आज मैं फिर से कोई स्प्रे या कोई बाम वगैरह लेके आऊँगी जिससे कि दर्द थोड़ा कम हो. तो घर से कुछ वो वाली बिल्डिंग जो है वो घर है और यहाँ पे मैं हूँ. सो घर से कुछ 15-20 स्टेप्स आई कैन से वहाँ पे पहुँच जाते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन सी, ऐसे बस के वो लगे हुए रहते हैं. हाँ, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टेक फॉर मेट्रो, दुबई इंटरनेशनल सिटी मेट्रो स्टेशन के लिए. एंड आज है और यहाँ पे दिन भी लिया हुआ, मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे क्या होता है. तो अभी आएगा, हर 20 मिनट पे बस होती है तो 16 से इतने में 20 मिनट का डिफरेंस होता है. तो जैसे मैंने एक मिस कर दिया 5:37 पे, तो अभी जो दूसरी आएगी वो इतने देर के 20 मिनट के ड्यूरेशन के बाद आएगी. सो कोई बात नहीं, विल वेट. एंड दिस इज़ द लाइन हाउ इट विल गो. तो आपा बैठेंगे वहाँ पे. मेरे सोलो ट्रिप पे आज मैं टिपिकली सोलो पे हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं. और मैं इतनी काली इसलिए हूँ क्योंकि बहुत टैन हो गया है, तो कल पूल में गए थे ना उसकी वजह से. तो खैर उसको छोड़ते हैं. और आज है टेक्निकली डे 4. सो डे 4 पे जो है आज मैं बाहर ऐसे ही निकली हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगी. कोई शायद होगा तो आई विल गो टू लोकल मार्केट. फिलहाल तो आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर टू इंटरनेट सिटी, मेरे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यही है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बसेस के लिए यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड दे हैव फिक्स टाइम, 20-20 मिनट के इंटरवल पे आते हैं. सो इट्स अ गुड थिंग दैट आपको 5 दिरहम लगता है यहाँ से वहाँ पहुँचने में, इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़ जो सबसे सस्ता है. उससे बाकी सारी चीज़ें तो बहुत बहुत महंगी है. इसी पैर में यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पे दिस पॉइंट इट्स हर्टिंग लाइक हेल मेरा. तो मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ. उस दिन मैंने आपको बताया था दैट अबाउट दिस कार्ड, राइट? सो दिस इज़ द कार्ड जो आपको लेना होता है करके. मैं मेट्रो स्टेशन में एंटर ही करा है, मेरा पैर इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है. आई कैन टेल यू कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है. बस आज तो मैं बिल्कुल भी बहुत लेजी लेजी सा फील हो रहा था, मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं था. बट स्टिल आई थॉट कि दुबई में एक दिन भी क्यों वेस्ट करना, लेट्स गो, लेट्स डू समथिंग. तो आ गई मैं मेट्रो. या यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो आपको ये कार्ड बनाना चाहिए. दिस इज़ सबसे सस्ता वे टू ट्रैवल. एंड ऑफकोर्स आई एम टू स्मार्ट टू लर्न द थिंग्स वेरी क्विकली. और मैंने सीख लिया, ये मैं दूसरी बार ही, और इस बार मैं अकेले अकेले जा रही हूँ. यू गाइज आर माई बेस्ट फ्रेंड. और यहाँ पे मेट्रो भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो जब लंबा है तो आई शुड ट्रैवल. तो मुझे 1 पे जाना है ऑफकोर्स.
not two but one. यहाँ पे है एंड यू कैन सी द व्यू. इट्स ऑसम. यहाँ पे जहाँ भी जाओ ना इट्स लाइक वाओ अमेजिंग. बहुत अच्छा है. कौन ये? दिस इज द ट्विन टावर. कौन वो रेड वाला? ना यार रेड वाला रेड और ब्लू जिसमें. हाँ उसके बाजू में जेडब्ल्यू मैरियट मार्केट और एक मैं तेरे को कर्वी बिल्डिंग दिखा दूँ. आ जा. व्हाट इज कर्वी बिल्डिंग? ओके अच्छा है यार बहुत. अभी क्या करने का? क्रॉस करना है ना तो चल. ये है ट्रैम. ये रोड्स पे चल रहे हैं इसीलिए. हाँ इसको ट्रैम बोलते हैं. बाकी तो है तो मेट्रो के जैसा ही. मैंने कोलकाता में देखा था और इसकी घंटी बहुत इरिटेटिंग होती है. हाँ तो हम लोग अभी कहाँ हैं? यहाँ है मरीना वॉक. एक्चुअली ये कोई कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसी जगह है जो कि घर है लोगों का और उसके आजू बाजू बहुत सुंदर सी जगह है इसलिए लोग यहाँ घूमते आ जाते हैं. ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट. एमआर तो है ही. एमआर में जॉब कर लेती तो कितना मजा आता नहीं. लेकिन हाँ यहाँ पे हर कुछ दुबई में हर कुछ ही सुंदर है. चाहे वो मॉल हो चाहे नॉर्मल फुटपाथ हो चाहे किसी के घर के बाहर घूमना हो. एवरीथिंग इज नाइस. तो बोल है ना ऐसा ही है ना? यस यस. तो हम लोग किसी के घर के बाहर घूम रहे हैं राइट? या पर्टिकुलरली ये किसी का प्राइवेट गार्डन है. देख प्राइवेट गार्डन भी होता है. क्लियर आया. हम बैठेंगे कहाँ? अभी हम आए हैं. ओके तेरी फोटो यही है ना? यही चाहिए ना? तो कौन सी? अच्छा ये तू मेरे को दिखा रहा था वहां से पीछे. ये नहीं है, उसी रूम में. कितनी सुंदर है यार ये बिल्डिंग. कितनी सुंदर. भागल वो देख. कौन? क्योंकि मैं देखूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. कंस्ट्रक्शन अजीब से नहीं लग रहा है? हाँ नीचे से पतला पतला ऊपर से फिर बीच में मोटा फिर पतला कर दिया. इट्स लाइक ऐसे. इट्स लाइक ऐसे वही मतलब कुछ ऐसा है. उस तरफ से भी देखेंगे तो वहां को वैसा ही वैसा. अच्छा जो नज़ारा देख रहे हैं ये पर्टिकुलरली कोई पार्क या गार्डन या कुछ पब्लिक प्लेस नहीं है. इट्स अ प्राइवेट प्लेस. लोग यहाँ घर रखते हैं और रहते होते हैं. एंड अमीरियत तो देखिए प्राइवेट यॉट्स बोल रहे हैं यहाँ पे लगा के रखा है. प्राइवेट लग्जरी यॉट. भाई साहब पैसों की कमी नहीं है यहाँ दुनिया में. दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर. ऐसा लग रहा है कि अलग ही दुनिया है ये. हवा ही अलग है यहाँ. हाँ दिस इज वेरी करेक्ट सेंटेंस की हवा ही अलग है यहाँ की. यू कैन फील इट नो पैसा पक्का है हवा से. ये लोग कितना कमाते होंगे जो इतना मतलब नॉर्मली जो लग्जरी लाइफ नहीं ये जो होते हैं ना मोस्टली एज़ फार एज़ आई नो ये यहाँ के लोकल्स नहीं है तो बिजनेसमैन जो है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी.
मैं आपको घुमाने आई हूँ या मैं खुद घूमने आई हूँ, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है. बट जो भी मैं कर रही हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग इट जस्ट फॉर यू गाइस. आई वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड. What is this? This attractive perfume. This made in UAE. This okay. Similar existence. This made in UAE. Uh-huh. This attractive perfume made in UAE. How much? Yeah. This unisex for lady and for men. This how one much? 180. 580. 180. Oh, 180. Yes. Okay. I have this one and I have another one. Same vanilla. Same like this. This one vanilla. Very very nice for women. This is not this one, but this is very nice. Yeah, this one very nice. This one name attractive. And I have old perfumes like this, madam. Ah. I have Cristal, I have Diamond, Passion, Romantic, Luxury, Maestro. I have spray for home, for car, for clothes, and like this. Thank you. What's your good name? Yeah, my name is Ahmed. Ahmed, thank you so much. Thank you. Yeah, bye-bye. मतलब परफ्यूम्स का कोई क्रेज नहीं है, बट ये स्मेल इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है ना, कोई भी मतलब मेरे को कैसे पूछना था, अट्रैक्ट हो जाएगा. कैमरा पे आया विनायक रानी पार. हां, ये जो ब्लॉगर होते हैं, हां, हर चीज की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि मैं तारीफ करूं, दिस इज रियली ऑसम मैन. मैं सबकी तारीफ कहाँ कर रही हूँ बताओ. बस के पूछ रहा हूँ. आई मीन मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों से देखा, मैंने जो अच्छी चीज होती है, मैं बुरी चीजों को बुरा बोलती हूँ. जैसे लखनऊ एयरपोर्ट आई आई एम लाइक, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया. मेरे को यूएस वाला कल पसंद नहीं आया. कौन सा? यूएसए का पसंद नहीं आया कल एक्सपो में. हाँ, क्या हुआ था? पढ़ा रहे थे वो. क्या? लिटरली पढ़ा रहे थे. फ्रॉम So, मैं बुरा बोल रही हूँ. मैंने वीडियो में तभी भी बोला कि इट इज बुरा. मुझे तो बेस्ट लगा. क्यों बेस्ट लगा? तू कब गई थी? हम जब गए थे तब कैसा था? मतलब यू हैव टू, द स्मेल इज डैम गुड. अगर आपको किसी को देना है या किसी को कुछ भी, सो यू कैन कुछ भी. अरे ये सुन के क्या होता है, सिड्यूस नहीं हो जाता? आउच 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 माय लेग्स. बैठे क्या यहाँ पे थोड़ी देर? हाँ बैठे बैठे. What is that? Achha, you want to smoke that, so you want to sit. So, this is very good. Your perfume जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो बहुत 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 अच्छा था. और अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो this one. यहाँ पे कुछ और होना हो, पैसे खर्च, मैंने जो भी पैसे खर्चे हैं दुबई में आके, उसका एक अच्छा लाभ ये हुआ है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लड़के दिख रहे हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई एम फीलिंग गुड. ए चल आ रहा हूँ मैं. कहाँ? जिधर से हम लोग आए वो यहीं पे एंड हो रहा है. लाइक ऐसे कुछ नहीं है, मतलब उसके जस्ट अपोजिट खड़े थे ना. कहाँ पे? वहाँ पे हम वहाँ खड़े उधर नहीं थे, हम थे उधर, उधर से उधर. ओके, तो अभी बहुत और बाकी है. विल एक्सप्लोर मोर. कुछ मुझे समझ नहीं आया दुबई का कुछ भी, बट इतना जरूर समझ आया कि चीज़ें बहुत शॉर्टेड हैं, लोग काफ़ी रिच हैं दुनिया में, और जो दुनिया के सारे रिच लोग हैं वो यहाँ पे जस्ट टू
क्या रिलैक्स करने के मोटिव से आते हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो यहाँ बिजनेस परस्पेक्टिव या कुछ से आते हैं, वो यहाँ सिर्फ रिलैक्स करने आते हैं, और उन्हीं उसी पे बेस्ड जिनका बिजनेस है, राइट right? yes. कंट्री का जितने रिच ही रिच लोग हैं, हर कंट्री में ऐसा नहीं होता कि लोग कंट्री में ये हॉलीडे स्पॉट है इसलिए लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज खरीद के यहाँ पे छोड़ दिए हैं. एग्जैक्टली. तो आप लोकेशन देखो ना, ये जहाँ हम घूम रहे हैं इट्स अपार्टमेंट काइंड ऑफ थिंग, राइट, इट्स अपार्टमेंट काइंड ऑफ थिंग. तो यहाँ जितने बिजनेसेस आप देख रहे हो, जो भी रेस्टोरेंट्स या जो भी है, इट इज जस्ट बिकॉज कि ऐसे लोग यहाँ रह रहे हैं तो इनका बिजनेस चल रहा है. यहाँ पे जो होटल्स है ना, वो भी होटल रूम नहीं होते, सर्विस अपार्टमेंट होते हैं वो. हाँ, लाइक 1 BHK इंक्लूडिंग किचन एंड एवरीथिंग. सो इट्स जस्ट लाइक कि लोग यहाँ पे चिल करने के लिए आते हैं पूरी दुनिया से. होटल रेसिडेंस मींस ओनेड बाय द होटल कंपनी, बट यहाँ पे वो पूरा अपार्टमेंट मिलता है. तो लोग जितना पैसा कमाते हैं वो यहाँ के खर्च देते हैं. नहीं. वो मस्जिद है उतना सुंदर सा मेरे पीछे, आप देखो वहाँ पे वो कॉर्नर में. और जहाँ जाओ MR ऐसा लगता है कि हाँ भाई एक यही तो है. दिस इज द ओनली थिंग व्यू, सी द व्यू. हाँ, मोटर्स का है कि ओके ओके ओके. सो दैट इज इट. मेरे को बस इतना समझ आया, दुनिया में जितना पैसा है और जितने अमीर लोग हैं सब यहाँ जरूर आते होंगे, अपनी प्रॉपर्टीज खरीदते होंगे. और कौन सी कंट्री है जहाँ पे लोग रिचेस्ट में देखे गई तो मोनेको है. मोनेको. हाँ. ओके. दुनिया की रिचेस्ट कंट्री है, वहाँ पे हर एक पर्सन बिलियनियर्स है. नहीं, कंट्री नहीं है वो, सिटी है. वहाँ पे लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं. हाँ. वो एक पूरा सिटी है, वही कंट्री है, फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पे मोनेको. मतलब यहाँ लोग किसी पर्पस से नहीं आते, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ज्यादातर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है उसमें लोग काम कर रहे हैं. हाँ, कंस्ट्रक्शन इसीलिए है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं प्रॉपर्टीज. हाँ, बस इन्वेस्टमेंट के पर्पस. हाँ, तो यहाँ कोई वैसा नहीं है ना कि आईटी है. हाँ, ये वो वैसा कुछ नहीं. या तो हॉस्पिटैलिटी है. हाँ, या तो हॉस्पिटैलिटी है, या तो कंस्ट्रक्शन है, या तो एंटरटेनमेंट है. आईटी का अलग से, जैसे दुबई इंटरनेट सिटी जो है वो पूरा आईटी का है. माइक्रोसॉफ्ट, सोनी. अब वो थोड़े बहुत सपोर्ट के लिए है ना, इट्स नॉट लाइक. बहुत बड़े बड़े हैं और यहाँ पे रिमोट कंपनीज भी होती है. हाँ. इसके पीछे जो है वो पूरा रिमोट कंपनी एरिया होता है. तो ये जो सिटी है वो बेसिकली इस बात पे बेस्ड है कि जो लोग आ रहे हैं उनको फैसिलिटीज मिले, उस पे वर्क करके ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है. और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं. हाँ, व्हाटएवर. हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आत्मनिर्भर. हम लोग खुद ही कर रहे हैं, जनरेट खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं और उसी से सब हो रहा है. और ये अभी ना इन लोगों का टारगेट ये है कि ये दुनिया का बिजनेस अब बढ़ना चाहता है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, दुबई की. हाँ, ये एशिया और यूरोप के बीच में कनेक्टिविटी तो तुमने देखी है जब तुम एयरपोर्ट से आए हो. 5 एयरपोर्ट है पूरे छोटे से टाउन में. और बोला UAE में लोकल फ्लाइट ही नहीं है. लोकल फ्लाइट नहीं है. No local flight in UAE. फिर भी यहाँ की एयरलाइंस वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस है. Without local market. मैं जिससे आई थी उसका रिव्यू तो बहुत ही गंदा है. एयर इंडिया में एक सैंडविच दे दिया गंदा सा, और एक फ्रूट केक दे दिया, और पानी दे दिया, बस टाटा बाय बाय सी यू, हो गया खत्म. हमने घूम लिया, इट वॉज अ नाइस प्लेस, यू शुड कम. बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है यहाँ पे, एंड फॉर श्योर. और यहाँ पे खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हमने कॉस्टली ट्राई नहीं किया, सो कांट गिव यू सजेशन अबाउट इट. बट हाँ, प्लेस वाइज इट इज नाइस. आपके 4-5 घंटे ऐसे ही, मतलब हम लोग 9 बज गया यहाँ पे. हम लोग आए कितने बजे थे? 7 बजे आए थे. 2 घंटे कैसे बीत गए? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बैठ बैठ के एक दूसरे की शक्ल देखी, जबकि इतनी अच्छी शक्ल ना इसकी ना मेरी है, बट स्टिल वी डिड इट. हमने बहुत मज़ा आया मुझे, और ऐसा लगा कि कहीं पैसे दे पे करके जाते हैं ना पार्क वार्क में घूमने के लिए, वैसी वाली वाइब. सो इट वॉज गुड नाइस. स्मेल, और ये स्मेल से ज़्यादा भाई साहब क्या सही परफ्यूम था जो मैंने तभी दिखाया. इट वॉज सो ऑसम. मतलब
क्या बोलूँगी, पापा लोग देख रहे हैं इसलिए कांट से इट, बट आप समझदार को इशारा काफ़ी है सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो स्मेल हाँसू 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 है। नहीं अभी बोला था तब तुम मना कर रही थी। तुझे गुजराती खाना है? गुजराती क्या ढोकला? नहीं प्योर गुजराती काठियावाड़ी डिश। काठिया क्या होता है? मतलब काठियावाड़ी मतलब हमारे वहाँ की डिश पूरी प्रॉपर। वी विल गो टू पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। ऑलराइट। देन वी एक्सप्लोर द फूड। अगर तूने मेरे को कट करके फोटो लिया ना लाइव। देख मैं क्या बोला था कि मैं जगह देखता हूँ मोबाइल के अंदर कैमरा में नहीं। फ्रेग्रेंसेस भी अच्छी है इधर। एग्जैक्टली यहाँ की जो मैं इंडियन उसमें जाती हूँ ना तो वहाँ के स्मेल इतने हार्ड होते हैं कि सिर चढ़ जाता है मेरा। मुझे क्लबिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बता तो सही। ईच फ्लोर हैज अ डिफरेंट फिफ्थ फ्लोर ना सारे पूरा क्लब है। हाँ। पांच फ्लोर तक। ओ भाई ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।